आप ये सेक्शन 9 जो है बड़ा महत्वपूर्ण है सीपीसी का, बहुत महत्वपूर्ण है। वही सब बताता है कि कौन सा सूट फाइल किया जाना चाहिए, कैसे सिविल सूट फाइल किया जा सकता है, किस बात के लिए सिविल सूट फाइल किया जा सकता है। ये सेक्शन 9 जो है तो ये सिविल सूट का है, उसको जरूर आप लोग पढ़िए, उसमें जो बातें लिखी हुई है वो ये कहता है कि यदि उसका उसकी रक्षा के लिए यदि उसमें कोई किसी प्रकार की बाधा आती है, कुछ भी है, तो उसकी रक्षा के लिए सिविल सूट फाइल किया जा सकता है। ठीक। अब ये सपोज कीजिए, एक सिंपल सी बात होती है, पहले तो सिंपल ही बात करते हैं, फिर सपोज कीजिए कि किसी को हमने पैसे दिए और वो पैसा हमको वापस नहीं कर रहा, तो हम सिविल सूट फाइल कर सकते हैं कि भाई उसने पैसा हमसे लिया है और उस पैसा को प्राप्त करने के हम अधिकारी हैं, हम सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। हमारी कोई प्रॉपर्टी है, कोई उसमें दखलंदाजी कर रहा है या कहता है कि नहीं हमारी नहीं है, किसी दूसरे की है, हम सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि भाई ये संपत्ति हमारी है, हम इस प्रकार का दावा दायर कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि हमारे हमारे पास कोई पद है और कोई कहता है कि नहीं ये पद आप होल्ड करने के अधिकारी नहीं, तो हम ये दावा दायर कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि नहीं ये पद हमारा, हम इसको धारण करने लायक है, और इसलिए यदि कोई उसमें बाधा उत्पन्न करता है तो हम सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। इसमें इस तरह से भी देख सकते हैं कि सपोज कीजिए किसी ने पैटर्निटी का, मतलब ये पितृत्व का कोई एक मुद्दा उछाल दिया और कह दिया कि नहीं आप इनके लड़के नहीं, या कोई ये कहता है कि ये इनके लड़के हैं ही नहीं, इस कारण से इनको इनकी फलाने की संपत्ति पे एक है कोई, उसकी संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार नहीं, क्योंकि ये उसके लड़के नहीं है, उसके उत्तराधिकारी हो ही नहीं सकते। तो ये दावा दायर किया जा सकता है ये डिक्लेयर करने के लिए कि हम फलाने के लड़के हैं, ऐसे दावे दायर होते हैं। तो इस प्रकार से ऐसा कोई भी मामला हो जिसमें किसी प्रकार का लीगल करेक्टर कोई इन्वॉल्व हो, कोई प्रॉपर्टी इन्वॉल्व हो, किसी प्रकार का ऐसा कोई लेन देन इन्वॉल्व हो, ऐसा किसी प्रकार का ऐसा डिस्प्यूट हो जो सिविल नेचर का डिस्प्यूट हो, तो उसको उसके संबंध में दावा दायर किया जा सकता है। सेक्शन 9 ये कहता है।